जय माता दी दोस्तों। सवेरे के 4:30 बजे सब तैयारी कर रहे हैं निकलने की। आज यात्रा का छठा दिन है। ये मंदिर में हम रात भर रुके थे, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये मंदिर से निकलेंगे। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है? कल हमको ग्वालियर पहुँचना था, पर किसी कारणवश धूप की वजह से हम ग्वालियर नहीं पहुँच पाए। हम 20 से 25 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं। 20-25 मिनट कवर करने के लिए हमें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ रहा, आधा घंटा। आज आगरा किसी आगरा पहुँचना है, मतलब स्टॉप हमारा चेंज ना हो जाए, इसलिए हमको आगरा किसी हालत में पहुँचना है। हम जल्दी निकल रहे हैं। जय माता दी, आगे की वीडियो आपको जानकारी मिलती रहेगी। मंदिर है, जय माता दी। दोस्तों देख सकते हो रोड का सीन। हमारी साइकिलें चल रही है, सवेरे के 6:30 बज गए। हमारे निकले हुए 2 घंटे हो गए। अब हम रोड पे, दोनों भाई राहुल और मैं हूँ। मेरे पापा का लड़का है मेरे साथ। हम दोनों मौसम भाई, मौसम का ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है। हमारा आगे दीपक महाराज ये जा रहे हैं आगे धीरे धीरे, जय माता दी बोलते हुए। ये आ गया सामने जय श्री श्याम कॉलेज, देख सकते हो। कॉलेज का सीन लो, कॉलेज अपना जानवरों का ले बच्चों बच्चों का ये मेरे मित्र मेरा देख सकते हो दोस्तों, क्या पहाड़ी है, क्या सवेरे सवेरे का कितना ठंडा मौसम है। ग्वालियर सिटी में ग्वालियर यहाँ पे 5 किलोमीटर बाकी है। देखो रोड के सीन कितने अच्छे आ रहे, गाड़ी जा रही है। जय माता दी दोस्तों। हमारे भगत लोग अभी लूडो खेल रहे हैं। साइकिल पंचर हो गई है तो साइकिल बन रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, यहाँ कुछ नहीं है, झाड़ के नीचे बोले क्या करे, तो नींद आ जाएगी तो फिर आगे जा नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने बोला टाइम पास करने के लिए लूडो खेलते हैं। हमारे दीपक भगत, शंकर भगत, नीरज भगत, हमारे राजू भाई भगत, ये देख लो लूडो खेल रहे। आप देख सकते हो लूडो खेल रहे, झाड़ के नीचे बैठे हमारे 3 मित्र इधर है, हमारे गुप्ता साहब वो सो रहे हैं, हमारे राहुल जी बैठे हुए उधर ये बैठे हैं, जनता कर्फ्यू के कोई बोर्ड है उसके बाद हम बैठे हुए हैं। ये जा रहे हम ग्वालियर सिटी में है, ये हाईवे है, ये देख सकते हो आजू बाजू का नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। थकावट मिटाने के लिए लूडो चल रहा है अभी। भगत जी, हे भगत जी, देखो देख लो एक बार, हाय कर दो सबको। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। साइकिलों खड़ी हो देख सकते, ये आप देख सकते हो
माँ वैष्णो देवी की यात्रा में चंबल गिरा है, चंबल के किले बिहड़ जहाँ एक समय में डाकुओं का राज रहता था, तो चंबल का सीना है देख सकते हो, पूरा बड़े बड़े किले है, बड़ा बड़ा घना जंगल है। आगे आपको चंबल की नदी दिखाते हैं, आप देख सकते हो ये चंबल के पूरे घने पूरे कांटे भरे झाड़ है, बड़े बड़े किले हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा में चंबल गिरा बीच में, चंबल के टीले हैं बड़े बड़े। आज के समय में डाकू है कि नहीं है क्या पता, पर एक समय में यहाँ पे डाकुओं का बहुत राज चलता था, डरते थे लोगों ने यहाँ पे आने के लिए, रात के समय कोई आता नहीं था, पर अभी तो बहुत अच्छा हाईवे बन गया है, तो गाड़ी में आ रही जा रही है, झाड़ है सब। हम लोगों की साइकिल है चंबल, चंबल में एक मेरा भाई राहुल, ये हमारी साइकिल, फिर 5 किलोमीटर पे आज चंबल के अंदर भी सीएनजी खुल गया देख सकते हो आप, 5 किलोमीटर के आगे सीएनजी लिखा हुआ है, ये कांटे बड़े झाड़ है, बहुत अच्छा दृश्य है शाम के समय, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चंबल में वोटिंग सफारी देख सकते हो आप, ये नीचे सफारी जा रहा है, ये नीचे रास्ता जा रहा है चंबल के लिए, अरे वो दिखता है पर हमका हमें सीधा जाना है, रास्ता देख सकते हो सामने आगे आ रहा है रास्ता, तो देखो छोटा दिख रहा है आपको वाइट वाइट वो रास्ता है, एक समय पहले वही रास्ता रहता था, अभी हाईवे बन गया है, हमें सीधा सीधा जाना है। ये देखो खेती हुआ, खेती भी है नीचे, देखो ऐसी ऐसी गुफाएं रहती थी पहले चंबल में, देख पा रहे हो आप, देखो पूरी पहाड़ी है, पूरा टापू टापू है, अभी बारिश का मौसम है इसलिए हरियाली है, पूरा एकदम टापू टापू दिखता है, मिट्टी के टीले दिखते हैं, बारी बारी गुफा है, ये पहले का रास्ता है जो आज आप वाइट वाइट देख रहे हो, पहले का रास्ता है, अभी यहाँ मुगल टावर भी लग गए, पहले थे कि नहीं थे क्या पता, क्या हमारे छोटे भाई रास्ता देख रहे हैं, क्या हमारे भगत लोग भी आ गए हैं, क्या हमारे भगत लोग भी आ रहे हैं सब पीछे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ये गुप्ता साहब आ रहे हैं देख लो, बम 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 करते करते जा रहे हैं देख सकते हो, हमारे दीपक भाई हमारे लिए रुक गए, बोले तुम काई को रुके, बोले ये इलाका खतरनाक है, बढ़ते हुए चंबल की घाटी, हमारे हमारे किशोर भाई भी बोलने आए, भाई यहाँ रुको मत, ये चंबल है यहाँ चलते रहो, रुको मत, हमारे लिए रुक गए पीछे, बोले घाटी पूरी छट गई है, सरकार ने किसानों के लिए पूरी घाटी छटवा के यहाँ पे खेती करवाने के लिए दी थी, देख लीजिए पहले यहाँ चट्टाने थी, बड़ी बड़ी माटी के टीले थे मट्टी के, किशोर भाई इसके बारे में अच्छी जानकारी दीजिए, चंबल के बारे में किशोर भाई बताइए, देख लीजिए यहाँ पे पहले टीले थे मट्टी के बड़े बड़े, अब सरकार ने किसानों को लिए खेती करने के लिए दे दिए, तो किसानों ने पूरे टीले हटवा के पूरे खेती के लेवल करवा के छोड़ दिए, देख सकते हो आप टीले पूरे खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, हमारे लिए रुक गए किशोर भाई, बोले चलो अभी आगे के आगे वीडियो बनाना, यहाँ खतरनाक है खड़े रहना, चलो चलो चलो, और आजकल डाकू तो है नहीं, वो बोल रहे कि नहीं खतरनाक है आगे चलना है, ट्रकों की आवाज आ रही है, अभी किशोर भाई जा रहे हैं, बोले आओ तुम फटाफट, दीपक भाई रुके हुए, दीपक भाई भी निकले, बोले निकलो, हमारे राहुल भाई बोल रहे चलो भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चलते अपन साथ में, चलो चंबल के टीले देख सकते हो आप, यहाँ तो बड़े आसानी से दिख रहे, यहाँ तो बड़े आसानी से दिख रहे चंबल के टीले,
अब बहुत से कट गए, बड़ा आसानी से दिख रहे, देख लो पूरा जंगल है। ये देख सकते हो चंबल की नदी, ये चंबल की नदी है, ये नया ब्रिज है, ये हाईवे का नया ब्रिज है। और वो देख सकते हो दूर लंबा, यहाँ से देख सकते हो आप। ये देखो ये जूना ब्रिज है, चंबल नदी है, चंबल नदी। ये जूना ब्रिज आपको दिखा रहे हैं चंबल नदी का, बहुत डाकून थे पहले। आगे चलते बहुत से छोटे छोटे गांव है, वहाँ इस नदियों में मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। यहाँ के एक रहवासी ने, हम पानी पीने एक होटल में रुके थे, उन्होंने बताया इस नदी में मगरमच्छ भी रहते हैं, पर यहाँ पे नहीं है। आगे जाके जंगलों में बड़े बड़े मगरमच्छ है नदी में। ये नया ब्रिज है, दूर तक देख सकते हो पूरा नया ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज बनाया है, और पहले सिंगल ब्रिज था, पहले पूरा सिंगल ब्रिज था, एक गाड़ी पास हो सकती थी खाली। पहले लोगों ने यहाँ डरते थे आने के लिए, अब ये पर्यटन स्थल बन गया है। आप देख सकते हो दूर दूर तक कितने लोगों ने वीडियो बना रहे हैं, दूर तक हमारे भक्त लोग देखो आगे जाके रुके हुए, सब देख रहे हैं नदी के। तो ट्रक के पास तो ज़्यादा दूर है, पानी भरो ट्रक के पास रुके हुए। पहले पर्यटन स्थल बन गया है, पहले वो टापू की नदी आपको रुकता नहीं था, फिर भी हमें बताया गया है कि ज़्यादा रुको मत, जाओ जल्द से जल्द निकल जाओ, यहाँ लूट मार आज भी होती है। जय माता दी, जय किशोर भाई। बताइए चंबल के बारे में, चंबल की नदी का ब्रिज पीछे देख सकते हो, देखो आप ब्रिज दिख रहा है। अब हमारे किशोर भाई बताएंगे, हमारे शंकर भाई बताएंगे, जय माता दी भाई बताएंगे, सब बताएंगे। चंबल का नाम सुनते ही आपके जहन में डाकुओं का दावा किया ना, डाकू चंबल में डाकू कैसे रहते हो गए। ये यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े टीले थे कुछ साल पहले, और अब तो किसानों ने यहाँ पे पूरे मिट्टी के टीले हटा के खेती कर ली है। कहीं से कहीं तक क्या वो टीले नहीं दिखाई देते। जय माता दी, जय माता दी। पानी में भेगा पूरे टीले, मगरमच्छ भी है छोटे। ये हमारी साइकिलों घड़ी है, हमारे भगतन देखो एक के बाद, ये हमारे भगतन है सब। जय माता दी। आज चंबल के नदी के किनारे इंजॉय कर रहे हैं, वो दिनों तो थके हुए थे, आज उनके अंदर चंबल देख के फुर्ती आ गई है। हमारे ये जा रहे धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे साइकिल निकल रही है उनकी, सबके चाहिए। देखो हमारे नीरज भगत कैसे नाच रहे हैं चंबल की नदी के किनारे, हवा लग रही है ठंडी ठंडी। तो ये देख लो हमारे सबसे बुजुर्ग, हमारे ये सबसे एक्सपीरियंस वाले, इनके 6 साल हो गए इनको चंबल की नदी के, 6 साल से यात्रा कर रहे हैं ये, इनको पहले चंबल का पूरा ब्रिज के बारे में मालूम था, अभी ये बताइए हमको चंबल के बारे में बताइए। यहाँ पे पहले बहुत बड़े बड़े टीले थे, लेकिन पानी आने के कारण ये थोड़े दस्ते दस्ते जा रहे हैं, अब इस तरह जमीन हो चुकी है यहाँ पे। जो बचे कुछ टीले हैं यहाँ पे ज्यादा दिखाई नहीं देते, मतलब दूर दूर तक के टीले हैं, मतलब पहाड़ों के अंदर यहाँ पे कोई भी टीला नहीं है, बस रेगिस्तान जैसा मैदान बन गया है, हमारे किसान खेती करते हैं। अब ये चंबल नदी के किनारे खड़े हमारे राजू भगत, ये हमें चंबल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। ये बहुत साले से आ रहे, 5-6 साल हो गए, पहले कैसा था अभी कैसा है इसके बारे में जानेंगे राजू भगत से। अब राजू भगत बताएगी, ये ब्रिज पहले का है कि अभी का है? ये अभी बनाया है, नया ब्रिज पे खड़े अपन, जहाँ से अपन तुम ये करो वो नया ब्रिज है। हाँ। और सामने जो दिख रहा है हाँ। वो पुराना ब्रिज है, तो पहले यहाँ इधर ब्रिज के वो बड़े बड़े टीले रहा करते थे। अभी हम थोड़े दूर पहले एक चाय के होटल पे रुके थे, उनसे पूछा ये नदी में मच्छियों मगरमच्छ है, तो बोलते यहाँ तो नहीं है। नहीं नहीं, हमने तो देखी नहीं, हम तो क्या यात्री लोग है, यात्रा पे आते इतनी ताक जात करते नहीं है। यहाँ डाकून थे पहले, यहाँ डरते थे लोगों रुकने के लिए, अब ये पर्यटन स्थल जैसा बन गया है, इसके बारे में कुछ बताओगे? ये बहुत पुरानी कवाते सुनी है, बाकी हमको तो काफी समय हो गया आते आते, तो हमें मालूम नहीं इस बारे में कि डाकू है कि नहीं है। बाकी लोगों बताते कि चंबल में डाकून रहते थे, बाकी हमें यात्रियों को तो कभी पहचान किया नहीं, कभी दिखे नहीं हमें। तो यहाँ से रुकने की कोई व्यवस्था तो है नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा हम लोग यहाँ से। एक मन में डर तो है ना कि हमको भाई यहाँ रुकना नहीं है? नहीं, मन में डर है ना, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, और इलाका भी खराब है। तो वही हमारे दर्शक जानना चाहते कि भाई मन में डर है ना, किसको बताया? तो है ना, अब ये इलाका ही ऐसा है ना, यहाँ कोई जगह नहीं रहने के लिए। और कुछ अपनी तरफ से बताना चाहो तो बता सकते हो? अब क्या बताया, अब इतनी कोई जानकारी नहीं, अपन रोज तो आते नहीं था।
सही है अपन तो दर्शन। हाँ, साल साल में एक बार आते यात्री लोग है अपन। हाँ, हिसाब से जय माता दी बोलते माता दी। जय कर शेरवाली का बोल साचे दरबार की जय। देख सकते हो हम आज डाको के नगरी से निकल रहे हैं, माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमको चंबल पड़ा है, ऐसे बहुत से घाटियों बहुत से भीड़ हमको रास्ते में पड़ते हैं। इसी तरीके से हम यात्रा करते हैं और माता जी के पावन दर्शन पाते हैं। माता जी के दर्शन के बाद हमें इतनी शांति मिलती है, ये सब दर्द धूप तपन इसमें साइकिल चलाते हुए हम जाते हैं, पहाड़ों से जाते हैं। ये देखो आगे पहाड़ है, सब थकान मिट जाती है हमारी माता जी के दर्शन से पाते से। दोस्तों लोग देख सकते हो हमारे भगत लोग चंबल के नदी के किनारे खड़े हुए हैं। अबे क्या वीडियो बना रहे कि यूट्यूब पे कंजर वाला कर रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सके। जय माता दी।